इमरान खान की टीम के दो शाइनिंग स्टार्स मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब और जनाब परवेज खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। एक मिनट जरा मैं सलाम कर लूं। आप अपनी सलाम अलहदा रखें, मेरी आपकी सलाम दुआ नहीं है। लेकिन आप हुकूमत में तो इकट्ठे हैं। मगर थैला साहब बयान ही इन्होंने इस तरह का दे दिया कि पीटीआई की चींटियां भी इनसे दूर होकर गुजरती हैं। है कोई ये बात करने वाली जुनैद साहब? आप देखें जरा बंदा अपना वो क्या कहते हैं कि मुंह मुलाजे के मुताबिक कोई बात कर लेता है। वसूफ ने बयान दागा है मुबैना तौर पर कि मैं अगर इमरान खान की हुकूमत का साथ ना दूं तो वो हुकूमत एक दिन भी ना चले। मैं जिसको चाहूं उठा के आसमान तक पहुंचा दूं, जिसको चाहूं जमीन पे फेंक। यानी अपनी तरफ से इमरान खान के मुतल्लिक कह रहे हैं कि मैंने उसे जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। हालांकि जुनैद साहब सच्ची बात ये है कि ये रोटी का नवाला तोड़ लेना तो उसके बाद इनके लिए बाजू उठाना मुश्किल हो जाता है। वेटर को आवाज मारती हैं कि बेटे सिर्फ रोटी रख के नहीं जानी, रोटी मुंह तक भी पहुंचानी है, उठाओ इसे। साहब मेरी बात सुने, जरूरी नहीं होता कि किसी को उठा के बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जोर ताकत जिस्मानी ताकत दरकार होती है। टेक्निक भी चलती है, टेक्निक दिमाग चलता है। वो याद नहीं बचपन में हम वो तार वाला जहाज ऐसे 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 करके ऊपर फेंकते थे, उसमें जोर लगता है कोई? मगर जुनैद साहब बदकिस्मती ये है कि मौसूफ तार वाला जहाज भी नहीं चला सकता। वो खुद तार है जिसमें से पंखा गुजरता था। नहीं मगर जब वो तार वाला जहाज ऐसे ऐसे करते हैं ना तो उसके जब पर घूमते हैं तो उसकी हवा से मौसूफ पीछे दीवार में जा लगते हैं। और जो जुनैद साहब आप दिमाग की बात कर रहे हैं, आप सर देख लें, कुकड़ से बड़ा नहीं है। और दिमाग भी बीच में कुकड़ से ज्यादा नहीं होगा। और आप जानते हैं कि कुकड़ के दिमाग में एक नन्नी मुन्नी सी बांध और एक छोटा सा कोको 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 बस। इसलिए इमरान खान को बुलंदियों पर पहुंचाने का दावा शेख रशीद करे तो सस्ता भी है। और दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत मैं चला रहा हूं, जबकि मेरी इतलात के मुताबिक जुनैद साहब बचपन में मौसूफ डिंकी चलाने के लिए भी 5-6 दोस्तों की हेल्प लेते थे। एक दिन डिंकी के नीचे आके जख्मी भी हो गए थे। ऐसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, जब डिंकी के नीचे आए हैं तो डिंकी को धक्का लगाने वाले दोस्त जो हैं वो फरार हो गए। उन्होंने समझा कि शायद अब जानवर ना हो पाए। ओ बाबा, मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है, ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मैं तो खुद इमरान खान जैसे अजीम लीडर के सानों तले दबा हुआ हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, आप असल में ये वेस्टकोट और कमीज में दबे हुए। ये उतारें तो आपकी सांस मेरा ख्याल है आसान हो सकती है। मगर बदकिस्मती ये है जुनैद साहब, जब कपड़े उतारते हैं तो लगता है पेन पेंसिल में से सिक्का निकाला हुआ। तो सुन ही नहीं सकते। यार सुन तो सकते हैं, आप ये कह इसे देख ही नहीं सकते। खुर्दबीन तो बगैर पूरी बात किया करें। दूसरी बात ये है अपना खटक साहब जी कि आप ये मत कहें कि मेरी बात का बतंगड़ बना दिया है। आपकी बात जो है वो बात के तौर पे ही पेश की है। बतंगड़ आप मुंह से ना निकाला करें बल्कि बचा करें बतंगड़ से। एक दफा पहले भी जुनैद साहब सोन पादरों में ये सोए हुए थे तो बतंगड़ इनको उठा के ले गया। ये क्या बात कर रहे हैं सर? गौरी साहब इनके इलाके में सोन पादरों में बतंगड़ निकल आते हैं। अच्छा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है जुनैद साहब के इंसान को पहले अपना वजन देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। और इनके वजन के मुताबिक तो खामोशी बनती है। शेख सेब, मेरी बात ना करें, अपनी बात करें। जिसने एक सीट जीता हो और पूरी पीटीआई को हाईजेक किया। तो सुने नहीं सकते। बोले जी गौरी साहब, सुने बल्कि समझें। आप देखे कि इनको हाईजैक करने के लिए सीट की तो जरूरत ही नहीं है। एना दे उते ते प्याली मूदी मारो ते हाईजैक हो जाते। बल्कि प्याली भी बहुत वड्डी हुंदी है, वो बच्चियां दी जैली वाली कौली नहीं हुंदी। बल्कि वो भी वड्डी है यार, इत्थों को पेन दा ढक्कन फड़ो ते इन्हां नूं हाईजैक कर। देखा आपने, देखा, ये सिर्फ काम वाम नहीं करता, जुगत करता है और जिधर भी देखता है शुरू हो जाता है। खटक साहब, इसमें मेरा अकेले का कसूर नहीं है। आप तो डॉक्टर को चेक कराने जाएं तो वो देखने की बजाय जुगते शुरू कर देते हैं।
अने खुद देखा है, डॉक्टर कह रहा था भाई जी कुछ जगह तो हैगी नहीं, बुखार चढ़े या किथे वे। शेख साहब खटक साहब बड़े हौसले वाले हैं, एक दफा इनको ड्रिप लगी थी ग्लूकोज की, इन्होंने उतार के ना पाइप के अंदर घुस के खुद बोतल में छलांग लगा दी थी। नहीं नहीं जुनैद साहब वो तो डॉक्टरों से तंग आके खुदकुशी की कोशिश की थी। सियासत पे बात करें, सियासत पे देखे वो अपना एक बिल्कुल एक क्लियर कट, एक पॉलिटिकल विजन रखते हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्यूमन है उनकी जो पूरे केपी में इस वक्त बोल रही है, गूंज रही है उनकी पॉलिटिकल एक्यूमन। यार बात करने वाली है ही नहीं, ना ही समझ में आने वाली है। कह रहे हैं मैं जब मर्जी इमरान खान की हुकूमत तोड़ सकता हूँ, माचिस की तीली तोड़नी पड़ जाए तो वो दो ईंटों पे रख के जूती उतार के उस पे छलांग लगाते हैं। खुदा के नाम ले, मैंने खुद इनको सिगरेट के लिए माचिस जलाते हुए देखा है। जैसे आम हमारे यहाँ गांव में किसान वगैरह यूं लकड़ी पकड़ के ऐसे टांग पे मारते हैं, इन्होंने मार के तोड़ी है माचिस की तीली मेरे सामने। नहीं चले तीली तो टूट गई थी, मगर जो बाद में टांग को प्लास्टर करवाया था वो नहीं पता। देखा फिर वही जुगत मुगत, हमको बातें करते हैं शेख साहब, खुद चलती गाड़ी से पीछे नहीं देख सकते, क्यों ऊपर रह गई कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आप गुस्सा कर गए हैं, हम लोग तो सियासत पे बात कर रहे हैं। वाह जी वाह, उसने मुझको ग्लूकोज के पाइप से गुजार दिया तो वो सियासत है, आपने मुझे बुतंगड़ से उठवा दिया वो सियासत है, और तो और वो बॉल पॉइंट का खाली सिक्का पड़ा होता है वो भी सियासत है। ये सारी सियासत ही है। चले शेख साहब छोड़ दें उनकी जान, सियासत पर बात करें। ये पिछले दिनों में देख रहा था कि आपने इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, वो क्या मामला है? जुनैद साहब मैंने हाई कमिश्नर से भी बात की है वापस लाने के लिए नवाज शरीफ को, और एक येलो कैब वाले से भी बात की है। जुनैद वापस उनको हर हाल में आना होगा। जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा जुनैद साहब ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि तरक्की के बटनों का पता ही उसे है। अच्छा। जुनेद भाई अगर शेख सेब की अंग्रेजी अच्छी होती तो इन्होंने उनको उधर से ले भी आना था। वैसे मैं माफी चाहता हूँ खटक साहब, आपकी भी छोटी एबीसी वाली अंग्रेजी अच्छी है, बड़ी तो आपने दो तीन दफा बोली है तो कितने सारे लफ्ज फंस जाते हैं। W फंस गया, M फंस गया, Q फंस गया। क्यों फंसा नहीं था, क्यों में खुद फंस गए थे। नायर साहब X भी फंस गया था, उसको फिर कैंची की तरह बंद करके बाहर निकाल। देखा दूसरों में कितने नुक्स निकालते हैं, खुद गीले टावल के साथ ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते। साहब किसी को दो जुगता और लाइया तो मैं ला के तानू फड़ा दे। आपकी विग में सर पे रखने की बजाय रजाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनेद भाई मैं आपके प्रोग्राम की वजह से सारी दुनिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, मैं तन मन धन से इमरान खान के साथ है। बस जी, मन धन तीनों चीजें वो बता रहे हैं जो पास हैं ही नहीं। देखे ना जरा तन कहाँ है। कुकड़ के मन जितना इनका मुंह है तो अपना मन कितना होगा। शेख साहब धन तो होगा बड़ा, धन है बहुत, मगर जेब च पा लें तो फिर उठिया नहीं जाता। एक बार 10 रुपए का पान जेब च पा लिया है जी, फिर 1.5 घंटा कुर्सी ते बह के फकीर उड़ीकते रहे। तो फकीर आया तो उन्होंने कहते रहे जेब चो कड लै। फकीर टुंडा तो अड़ गया, कहता है खटक साहब आप खुद निकाल के दे। कहता जा बाबा माफ कर। ये आपका शो सियासी है? जी जी सियासी है, ये आपके आने से शाम 84 हुआ है। अच्छा शेख साहब आप एक मुसलसल एक तवील अरसे से कह रहे हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ हो जाना है, हाथ हो जाना है। अब उन्होंने पलट के जवाब दिया, उन्होंने कहा कि असल में हाथ होने के आदि तो आप हैं, आपके साथ हाथ पे हाथ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। जुनैद साहब मैं असल में फजल रहमान साहब के मुतालिक कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा जी, वो मेरे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग कहाँ से आ गए?
आपके हम उम्र बल्कि आपसे छोटे ही होंगे वो। मैं रुतबे और इल्म के हवाले से कह रहा हूँ, एहतराम के हवाले से कह रहा हूँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं। उनके बारे में कुछ भी ना कहें अगर आपके दिल में वाकई उनका एहतराम है तो। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ कहता हूँ तो दुख से कहता हूँ। देखें, ये सारे सियासतदान जो हैं ये चक्करबाज हैं, ये मौलाना को आगे लगा के तो बाहर निकलते हैं, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है इनकी मौलाना को तो मौलाना पीछे मुड़ के देखते हैं, इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौलाना के साथ ये हाथ कर जाते हैं, मौलाना को अब समझदार हो जाना चाहिए और मौलाना को खुद फैसला करना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये बड़े तेज लोग हैं जुनैद साहब, ये सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए बाहर निकलते हैं। मौलाना मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए मैं मौलाना को गाहे बगाहे ये मशवरे देता रहता हूँ। और जुनैद साहब इस सिचुएशन में मेरा उनको मशवरा यही है कि घर बैठ के हलवा पूरी का मजा लें, बाहर जलसों में निकल के अपने आप को ठंड ना लगवा लें। हलवा पूरी क्या अच्छा मशवरा देता है जी शेख साहब। ये मशवरा जे तेनू दियांगा ते विच जहर पा के दियांगा।